हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द डिपार्टेड, जो कि रिलीज हुई थी 2006 में। ये क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कोरसे ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म फ्रैंक कोस्टेलो के वॉइस ओवर से शुरू होती है, जो बोस्टन में अच्छे दिनों के बारे में बात करता है और बताता है कि उसे जीवन में पीछे हटने की कोई दिलचस्पी नहीं है और वो ड्राइवर की तरह सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता है। फ्रैंक एक शॉप पर जाता है जहां वो सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूली करता है, जिससे पता लगता है कि वो कितना बड़ा गुंडा है। वो दुकानदार की सुंदर किशोर बेटी की तारीफ भी करता है और लड़की को अपने पास बुलाता है, और जब वो आती है तो वो उस पर अभद्र यौन टिप्पणी करता है। अचानक फ्रैंक नोटिस करता है कि काउंटर के नीचे एक छोटा बच्चा उसे देख रहा है। फ्रैंक उस बच्चे से पूछता है कि क्या वो जॉनी सुलविन का बेटा है, और बच्चा सर हिलाता है क्योंकि वो कॉलिन सुलविन है। फ्रैंक जानता है कि बच्चे के पिता मर चुके हैं, इसलिए वो बच्चे को किराने का सामान और कॉमिक बुक खरीद के देता है। फिर उसे कहता है कि अगर वो कभी भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है तो वो उससे मिले। कॉलिन चर्च में शिक्षा लेते हुए नजर आता है। फिर वो फ्रैंक के पास जाता है और फ्रैंक उसे बताता है कि चर्च जो कहता है उसका पालन ना करे, क्योंकि चर्च को आदेश देना पसंद है। फ्रैंक का कहना है कि आपको अपने खुद के आदेश मानने चाहिए। फ्यूचर में कॉलिन पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेता है और एक पुलिस वाला बनने की ओर आगे बढ़ता है। इस बीच बिली कॉस्टिगन नाम का एक लड़का पुलिस के फाइनल एग्जाम दे रहा होता है। कॉलिन और बिली दोनों एक साथ ग्रेजुएट होते हैं। फ्रैंक कोस्टेलो कॉलिन को हेलो कहने के लिए और उसे गिफ्ट देने के लिए आता है और कहता है कि बस अब और स्कूल नहीं। ऐसा लगता है कि अब कॉलिन पुलिस के वेश में अंडरवर्ल्ड के लिए काम करेगा, जिसको फ्रैंक ने खड़ा किया है। इसके बाद कॉलिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में नियुक्त होता है, जिसको लीड कैप्टन क्विनन और सार्जेंट डिग्नम कर रहे हैं। क्विनन काफी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन डिग्नम काफी पेचीदा इंसान है। कॉलिन के जाने के ठीक बाद बिली कॉस्टिगन ऑफिस में एंटर करता है। उसके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। बिली का एक अंकल भी था जो अंडरवर्ल्ड में शामिल होने के कारण मारा गया। उसका टॉमी नाम का एक और अंकल जो बंदूकें बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सार्जेंट डिग्नम बिली के बैकग्राउंड के बारे में संदेह से कहीं ज्यादा होता है। इस बीच कॉलिन को इमीडिएटली स्टाफ सार्जेंट के रूप में प्रमोट किया जाता है और वो पुलिस विभाग के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों में एक विशेष मीटिंग में बैठता है। ये एक स्पेशल यूनिट है जो FBI के सहयोग से बोस्टन में संगठित अपराध से निपटने के लिए काम कर रही है। मीटिंग के बॉस कैप्टन एलर भी हैं, जो बिली कॉस्टिगन के अंकल जैकी की हत्या के बाद की तस्वीर दिखाते हैं। वो अन्य संगठित अपराधियों की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और जो फ्रैंक कोस्टेलो की तस्वीर के साथ खत्म होता है। वहीं क्विनन और डिग्नम बिली को बताते हैं कि वो कभी भी स्टेट ट्रूपर नहीं बन सकता। उन्हें लगता है कि उसके एग्जाम में मार्क्स जरूरत से ज्यादा ही है और ये नौकरी उसके लिए नहीं है। क्विनन और डिग्नम बिली को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में जाने का ऑफर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिली एक अंडरकवर एजेंट बने। अब पुलिस इस बात को नहीं छिपा सकती कि बिली पुलिस ट्रेनिंग ले चुका है, इसलिए वो इसे अपराधी ठहराकर उसे जेल भेजकर उसका स्ट्रीट क्रेडिट वापस लेते हैं। फिर आखिरकार बिली अपनी सजा काटकर जेल से बाहर निकलता है और अदालत आदेश देती है कि उसे अपने दिमागी इलाज के लिए एक साइकेट्रिस्ट से रेगुलर मिलना होगा, ताकि वो एक रियल गैंगस्टर लग सके। जबकि कॉलिन एक स्टाफ सार्जेंट के रूप में आरामदायक जीवन जीता है। अब बिली जेल से बाहर आ चुका है और सऊदी में अपने कजन ब्रदर के साथ ड्रग्स की डीलिंग के बारे में बात करता है। उसका कजन उसे समझाता है कि वो इसमें ना पड़े, क्योंकि ये फ्रैंक का एरिया है। अब बिली अपने कजन ब्रदर के साथ एक बार में जाता है, जहां उसका भाई उसे फ्रैंक के लोगों से मिलवाता है। इस बीच बिली बार में क्रैनबेरी जूस ऑर्डर करता है और दूसरा आदमी उसे स्मैक की बात करता है, तो बिली उसके सर पर एक ग्लास एस्ट्रे तोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार दे, फ्रैंक कोस्टेलो का राइट हैंड मिस्टर फ्रेंच उसे रोक देता है और फ्रेंच कानून बताता है। साथ ही बिली से कहता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें वो मार सकता है और कुछ को नहीं। साथ ही सलाह देता है कि वो ड्रग्स के काम में ना पड़े। ये सब बताकर फ्रेंच बिली की हेल्प सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि फ्रेंच बिली के परिवार को अच्छी तरह से जानता है और उन्हें पसंद करता है। बिली
ड्रग्स की डील को छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है और मिस्टर फ्रेंच उसे नया क्रैनबेरी जूस देने का ऑर्डर करते हैं। पुलिस स्टेशन में एक स्टाफ मीटिंग में कैप्टन एलर्बी और सार्जेंट डिग्नम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फ्रैंक माइक्रो प्रोसेसर्स की चोरी की है जिसे वो क्लियरली चाइनीज को बेचने जा रहा है। फ्रैंक को हमेशा के लिए नीचे गिराने के लिए पुलिस एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती है। FBI जानना चाहती है कि क्या डिग्नम की यूनिट में इस टाइम फ्रैंक के साथ कोई अंडरकवर है, लेकिन डिग्नम सीधा जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपने अंडरकवर को सेफ रखना चाहता है। कॉलिन उस दोस्त की हत्या की जांच करने के लिए निकलता है जिसने फ्रैंक के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स चुराए थे, लेकिन तभी उस लड़के की माँ फ्रैंक को कार में जाते हुए देखती है और मजबूर होकर कॉलिन को जाने को कहती है। इस पॉइंट पर कॉलिन भी कॉस्टेलो की कार के पीछे कुछ कार्स देखता है। वापस स्टेशन पर कॉलिन लिफ्ट में एक खूबसूरत महिला मेडलिन से मिलता है। वो जानता है कि वो ऑफिस में एक पेशेवर साइकेट्रिस्ट है और वो उसके साथ रात के डिनर के लिए बड़ी सहजता से पूछता है। मेडलिन के चले जाने के बाद कॉलिन को फ्रैंक का फोन आता है जो जानना चाहता है कि पुलिस की दो कार्स उसका पीछा क्यों कर रही है। कॉलिन कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो फ्रैंक की मदद करने के लिए हाँ कहता है। कुछ देर बाद फ्रैंक मिस्टर फ्रेंच को उन कारों को चकमा देने के लिए और निकलने के लिए बोलता है जो उसका पीछा कर रही हैं, और मिस्टर फ्रेंच आसानी से ये काम कर देते हैं। किसी दुकान पर बिली लंच कर रहा होता है, तभी दो इटालियन फिरौती के लिए स्टोर के मालिक से पैसे मांगते हैं। बिली उनके पास जाता है और इटालियंस के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात बिगड़ जाती है और बिली अपना आपा खो देता है और उन दोनों को पीटता है। इस लड़ाई में उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वहीं एक रेस्टोरेंट में कॉलिन मेडलिन के साथ अपनी डेट पर जाता है। कॉलिन ये जानना चाहता है कि मेडलिन की नौकरी कैसी है और वो बताती है लोग उसके ऑफिस में अपने सभी इमोशंस के साथ उमड़ते हैं और वो उन्हें कंट्रोल करती है। वहीं बिली बार में क्रैनबेरी जूस पीते हुए दिखाई देता है। फ्रैंक कॉस्टेलो के अंदर आते ही जगह खामोश हो जाती है और वो बिली के पास बैठ जाता है। फ्रैंक बिली से पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कौन है, लेकिन बिली न जानने का नाटक करता है। फ्रैंक का मतलब है कि वो उसका दोस्त है जो सऊदी नेबरहुड चलाता है। फ्रैंक अपनी गन को पॉलिश करता है और बिली को उसके साथ पीछे के कमरे में आने के लिए कहता है। जैसे ही वो जाता है तो फ्रैंक बताता है कि कैसे माफिया उसके एरिया में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। वो कहता है कि वो इससे बहुत परेशान है। फ्रैंक ये भी बताता है कि स्टोर में बिली ने जिनकी पिटाई की थी वो दोनों माफिया हैं, जो जल्द ही सऊदी वापस आएंगे और तुम्हें मार देंगे, और साथ ही कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो उन्हें रोक सकता हूँ। इसलिए फ्रैंक बिली से पूछता है कि क्या वो चाहता है कि मैं उन्हें रोक दूं। बिली पूछता है कि क्या ये कुछ ऐसा है जिसे वो पर्सनली नहीं संभाल सकता, जो फ्रैंक और मिस्टर फ्रेंच को बड़ा अजीब नजर आता है क्योंकि बिली साइलेंट गेम खेल रहा है। लेकिन फ्रैंक और फ्रेंच को लगता है कि वो ये समझता नहीं है कि दो माफिया लोगों की पिटाई कैसे एक बड़ी बात बन सकती है। जबकि मिस्टर फ्रेंच बिली की तलाशी लेते हैं। फ्रैंक बताता है कि वो बिली के पिता को जानता था। वो कहता है कि वो ईमानदार और अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए बहुत जिद्दी था। फ्रैंक मिस्टर फ्रेंच को बिली के हाथ से प्लास्टर काटने को बोलता है और फिर फ्रैंक बिली के बूट से उसके हाथ पर मारना शुरू कर देता है। साथ ही उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी पुलिस फोर्स में है। फ्रैंक सेटिस्फाई होने तक बिली को मारता रहता है। फिर फ्रैंक बिली पर कैश का एक बंडल फेंकता है और उसे अपना हाथ फिर से ठीक कराने के लिए कहता है। फ्रैंक मिस्टर फ्रेंच से पूछता है कि क्या बिली अपने ऑपरेशन में लाने के लिए विश्वसनीय है। उसे उस आदमी पर भरोसा करना मुश्किल लगता है जो ऐसे काम करता है जिसके पास कुछ खोने को नहीं हो। वहीं कॉलिन मेडलिन को फोन करता है और डेट पर जाने के लिए पूछता है, और जब मेडलिन हाँ कर देती है तो वो फ्रैंक कॉस्टेलो से बात करने के लिए अपने फोन में से सिम कार्ड बदलता है। वहीं बिली अब फ्रैंक के गैंग में शामिल हो जाता है। अब फ्रैंक बिली को थोड़ा इंस्पिरेशनल भाषण देता है जबकि वो एक कटे हुए हाथ से अंगूठी खींचता है, जैसे कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं कैप्टन क्विनन और सार्जेंट डिग्नम सुन रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि बिली अपने अंदर वायर पहने हुए है। कटे हुए हाथ को देखने के बाद बिली बाथरूम में जाता है और अपना तार तोड़ देता है। वो इतना घबरा जाता है और वो क्विनन से कहता है कि अब से वो केवल फोन पर ही बात कर सकेगा। वो ये भी जानना चाहता है कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है, और क्विनन उसे इस तथ्य के बारे में बताता है कि फ्रैंक चाइनीज को माइक्रो प्रोसेसर्स बेचने की योजना बना रहा है। पुलिस स्टेशन में कैप्टन एलर्बी कॉलिन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि जिस पर
दो इटालियंस की हत्या का आरोप है वो वास्तव में उसी ने किया है। कॉलिन कहता है कि जब तक उन्हें इसके लिए कोई मिल नहीं जाता तब तक उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पता चलता है कि जिस आदमी पर आरोप लगाया गया था उसे जेल में दिल का दौरा पड़ा और फिर हॉस्पिटल में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अब वो अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएगा। कॉलिन स्पेशल यूनिट का लीडर बन जाता है और वो अपनी टीम खुद चुनता है। इस बीच बिली धीरे धीरे और अजीब तरह से फ्रैंक कॉस्टेलो के लिए काम करना शुरू कर देता है। हालांकि वो सिर्फ अनाड़ी होने का नाटक कर रहा होता है। वहीं स्टेशन पर कॉलिन कहता है कि उन्होंने एक नई यूनिट बनाई है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंक कॉस्टेलो का स्टेट पुलिस में कोई चूहा है। कॉलिन बहुत शातिर है क्योंकि वो खुद ही फ्रैंक का चूहा है। फ्रैंक कॉस्टेलो बिली को एक सेलफोन देता है और उसे इसका इस्तेमाल करने का निर्देश देता है। फिर दोपहर के लंच पर फ्रैंक बिली से कहता है कि तुम्हारे पिता और अंकल तुम्हें मार देते यदि वो तुम्हें मेरे साथ देख लेते। वो बिली से पूछता है कि क्या उसने कभी पुलिस स्कूल वापस जाने के बारे में सोचा है, क्योंकि फ्रैंक चाहता है कि बिली अब सिर्फ उसके लिए ही काम करे। अब कॉलिन देखता है कि पुलिस फ्रैंक के टॉप आदमियों में से एक से पूछताछ कर रही है। उसने अपने वकील को इन्फॉर्म किया है लेकिन वकील अभी तक नहीं पहुंचा। कॉलिन लॉयर बनने की ट्रिक को आजमाने का फैसला करता है और इन्वेस्टिगेशन रूम में चला जाता है। दूसरे पुलिस वाले सोचते हैं कि वो उसे सच्चाई उगलवाने गया है, लेकिन कॉलिन मौके का उपयोग करके उस आदमी को फ्रैंक कॉस्टेलो के छापे के बारे में बताने के लिए कहता है जो उसकी एक बिल्डिंग पर होने वाला है और उसे सीक्रेट पासवर्ड भी देता है। हेलो मॉम, मैं रात को खाने पर नहीं आऊंगा। और मिस्टर फ्रेंच समझ जाते हैं और अपने लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाने के लिए बोलते हैं और साथ ही उस जगह पर सारे सबूत जला देते हैं। इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर वापस कॉलिन ऐसा दिखाता है जैसे उसने फिट्जी से बहुत बड़ी जानकारी ली है। वहीं बिली मिस्टर फ्रेंच के साथ कुछ हिंसक और गहन कामों को अंजाम देता है। इस बीच कॉलिन मेडलिन के अपार्टमेंट में सोकर उठता है और उसे बताता है कि रात को उन दोनों के बीच बेडरूम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा नहीं है और मेडलिन भी अपने प्यार की मंजूरी देती है। अब बिली मेडलिन के ऑफिस में बैठा है और उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताता है जो कि अदालत द्वारा नियुक्त सलाहकार है। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है हिंसक काम करते हुए और घर पर अकेले बैठकर और पूरे दिन एक मास मर्डरर के साथ काम करना कितना मुश्किल है। उसका दिल धड़कता रहता है लेकिन उसके हाथ हमेशा स्थिर रहते हैं। बिली अब अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और मुट्ठी भरकर कुछ गोलियां खाता है जो कि वो फ्रैंक के लिए काम करते हुए शांत रहने के लिए शायद बहुत ज्यादा नशा कर रहा है। बिली को अंडरकवर हुए एक साल हो जाता है और उसके पास काफी सबूत है। वो अंदर ही अंदर जल रहा है और उसका दिमाग उस पर हावी होने लगा है। वो जानना चाहता है कि क्विनन और डिग्नम ने फ्रैंक पर अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, क्योंकि फ्रैंक उसे और दर्जनों गुंडागर्दी के गंदे काम करवाएगा। लेकिन क्विनन और डिग्नम का कहना है कि वो अभी भी केस बना रहे हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें लगता है कि फ्रैंक के पास स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अंदर एक जासूस है, जिससे बिली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। मेडलिन के ऑफिस में वापस बिली कहता है कि वो चाहता है कि मेडलिन उसे सोने में मदद करने के लिए मेडिसिन दे क्योंकि वो नींद ना आने से पागल हो रहा है। लेकिन मेडलिन को शक है और उसे लगता है कि वो इसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर करेगा और बिली उससे नाराज होकर ऑफिस से निकल जाता है। बिली के बाहर आने के बाद मेडलिन उसे प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और उसे बताती है कि वो उसे दूसरे काउंसलर के पास ट्रांसफर कर रही है। उन दोनों के बीच चीजें शांत हो जाती है और बिली उससे एक कप कॉफी के लिए पूछता है। कॉलिन एक पुलिस सेफ हाउस में जाता है जहाँ एक बड़ा ग्रुप फ्रैंक कॉस्टेलो पर एक्सटिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है ताकि जब रात में फ्रैंक चाइनीज को माइक्रो प्रोसेसर्स बेचे तो उसे पकड़ा जा सके। कॉलिन अपने दोस्तों के पास जाता और पूछता है कि क्या उन्हें स्टिंग के बारे में कुछ पता था, लेकिन ऐसा लगता है आखिरी सेकंड तक हर कुछ छुपाया गया था। कॉलिन अब फ्रैंक को फोन करता है ताकि उसे रेड के बारे में इन्फॉर्म कर सके। वो अब ये भी निश्चित रूप से जान गया है कि फ्रैंक के ऑपरेशन में कहीं ना कहीं कोई चूहा जरूर है। जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन शुरू होता है कॉलिन को पता चलता है कि FBI सभी सेल फोन की कॉल्स पर निगरानी कर रही है, इसलिए वो फ्रैंक को ये बताने के लिए अपनी जेब में फोन से मैसेज का उपयोग करता है ताकि फ्रैंक के सभी आदमी अपना फोन बंद कर दें। एक डॉक बिल्डिंग के अंदर फ्रैंक और उसका गैंग अपने माइक्रो प्रोसेसर्स को बेचने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच बिली क्विनन को एक डॉलर का साइन के रूप में ये बताने के लिए मैसेज करता है कि डील के लिए पैसा
साइट पर ही है। अचानक कॉस्टेलो के चालक दल और चाइनीज गैंग बोट्स पर बिल्डिंग छोड़कर बंदरगाह पर चले जाते हैं। जब कैप्टन एलर्बी को इस बात का एहसास होता है कि पर्याप्त निगरानी के लिए कैमरामैन ने कैमरास कम लगाए थे, तो वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा मारता है। उसे लगता है कि पुलिस ने फ्रैंक को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका खो दिया। अब बिली बोस्टन से एक विमान पकड़ने के लिए जाता है और वो फोन पर डिग्नम से बात करता है और वो जानता है कि फ्रैंक के पास स्पेशल यूनिट में कोई हाई पोस्ट पर है और वो जल्द ही पता लगा लेगा। उसके जिंदा रहने का एकमात्र तरीका ये है कि उसे ढूंढने से पहले बिली ही उस चूहे को ढूंढ ले। तो बिली डिग्नम को विभाग के माध्यम से कुछ झूठी जानकारी बेचने के लिए कहता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा आदमी फ्रैंक को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है।